Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Chop Munch Repeat and welcome back to another staycation video. आज मैं आपको लेके आई हूँ लोनावला. लोनावला में ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ला पेपिलोन. लोनावला रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेपो से 5 मिनट्स वॉकिंग पे ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में आज का हमारा स्टे होने वाला है. वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस प्लेस ऑफर्स यू मल्टीपल रूम ऑप्शंस. जैसे उनके बेसिक डीलक्स रूम स्टार्ट होता है 2300 रुपीज से. मैंने आज यहाँ पे बुक किया है प्रीमियम रूम जिसके चार्जेस मुझे पड़े अराउंड 3700 प्लस टैक्सेस फॉर द टू ऑफ अस. एंड आज की वीडियो में आपको मेरा कंप्लीट स्टेकेशन एक्सपीरियंस मिलने वाला है. इसमें प्रॉपर्टी टूर होगा, रूम टूर होगा, फूड टूर होगा और बहुत सारी चीजें जो आप इस प्रॉपर्टी में एक्सपीरियंस कर सकते हो. सबका ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा सो दैट जब भी कभी आप लोग अपना नेक्स्ट स्टे प्लान करना चाहते हो यू नो वेयर टू गो. ऑल्सो आज की वीडियो के एंड में मेरी चॉप मंच फैम के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है. फॉर दैट यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड. लेट्स गो. वेलकम टू आर ब्यूटिफुल स्टे फॉर टूडे. रूम में एंट्री करते ही आपको बहुत सारी सनलाइट मिल जाती है विंडो से एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है. सबसे पहले यहाँ पे है ये हमारा क्वीन साइज बेड. एक्चुअली क्वीन साइज बेड से भी थोड़ा बड़ा लग रहा है ये. मस्त ऐसे फ्रेश व्हाइट लिनन्स बिछाए हुए हैं दोनों तरफ. ये काफी एस्थेटिक साइड टेबल्स रखे हुए हैं जिसपे आप यू नो अपनी चाबियां, फोन सब कुछ रख सकते हो. देन बेड के साइड में यहाँ पे एक साइड सोफा है जिसके सामने ये एक छोटी टेबल है. तो यू नो इट कैन बी योर लिटिल लाउंज एरिया. They have a nice television here. ये TV unit है and then वहाँ पे आपका reception का phone है. यहाँ पे एक kind of आपको study counter जैसा दिया हुआ है with this nice grey chair. यहाँ पे आपको mineral water, then coffee, milk powder, everything has been given. There is also this coffee maker. And now I'm gonna show you one of the best part about this room is this. Wait a minute. So this room has a very luxurious bathroom as you can see and here we have a nice bathtub. I have big plans for this. I mean I think before going to bed tonight I am going to have one hell of a time here. यहाँ पे towels रखे हुए हैं, napkins रखे हुए हैं, a very nice clean washroom area. Here's me, hello, a big mirror and बहुत ही beautifully आप देख सकते हो. Everything is so beautiful and clean and white. I absolutely love clean washrooms. Tell me in the comments below if you agree with me. They also have a hair dryer here. उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी toiletries दी हुई है, shampoo, Colgate, everything. What I like the most is कि room से you know बीच में ये toughened glass है, so kind of आपको room ना काफी spacious लगता है देखने में. By the way, if you don't want to keep it open, they also have blinds. तो यहाँ पे blinds भी दिए हुए हैं जो आप use कर सकते हो. Then washroom से बाहर आते ही यहाँ पे ये closet है. वेरी बिग क्लॉजेट, आपका काफी सारा सामान आ जाएगा. यहाँ पे कुछ हैंगर्स दिए हुए हैं. डिस्पाइट द रूम बिंग वेरी नाइस एंड वेरी स्पेशियस, मुझे दो तीन चीजों की कमी यहाँ पे लग रही है. एक तो इनको यार एक मिनी फ्रिज रखना चाहिए बिकॉज इट इज सो हॉट आउटसाइड, यू नीड अ फ्रिज. उसके अलावा देर इज नो सेफ इन द क्लॉजेट. ये रूम कंप्लीटली एयर कंडीशन है, देर इज अ फैन ऑल्सो. ये प्रीमियम रूम है. प्रीमियम रूम एंड डीलक्स रूम में एक ही फर्क है बाथटब का. बाकी सब कुछ सेम है. आई थिंक ये एरिया थोड़ा अलग है एंड बाथटब नहीं है, बाकी पूरा रूम सेम है. एंड देयर इज अ प्राइस डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1000 रुपीस, तो आप अपना कॉल ले सकते हो. एंड देन हमने यहाँ पे लिया है ये फ्रंट फेसिंग रूम. हियर वी हैव आवर टीनी टाइनी बालकनी. हियर इज आवर बालकनी, वेरी स्मॉल बट इनफ फॉर स्टैंडिंग एंड एंजॉयिंग द व्यू. यहाँ पे हमें पूरा पूल साइड का व्यू मिलता है. ये मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ. दिस इज द कॉमन पूल एरिया जो हमारी बालकनी से दिख रहा था. लुक एट दिस, दिस इज अ कॉमन पूल. वैसे पूल की साइज मुझे कॉमन पूल के हिसाब से काफी छोटी लग रही है. यहाँ पे ये कुछ 4-4.5 फीट डीप होगा. वहां पे एक छोटा सा यू नो किड सेक्शन एरिया लग रहा है जहाँ पे बच्चे लोग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं. एंड देन यहाँ पे पूल के साइड में यहाँ पे मस्त ऐसा सन बेदिंग टाइप का एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप चिल कर सकते हो. मीट चैंग साई. बट यू नो एक पूल एरिया जब एड हो जाता है ना ओवरऑल प्रॉपर्टी में जो लुक आता है एक आपको वेकेशन वाली वाइब जो आती है ना वो पूल से ही आती है. पूल के साइड में ही यहाँ से एक्चुअली इस प्लेस का एंट्रेंस है. एंट्रेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब आपको डायरेक्शन वहां की दिखाती है गूगल पे और आपको यहाँ से आना है.
यहाँ से जब आप एंट्री करते हो ना तो यहाँ पे पार्किंग एरिया भी दिया हुआ है, सफिशियंट पार्किंग एरिया है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी शेड में आप लगा सकते हो। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी एक्सटीरियर, बाहर से आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सटीरियर्स है ग्रे कलर के। एंड यहाँ से आपको एंट्रेंस है, एंट्री करते ही हियर वी हैव अ नाइस रिसेप्शन एरिया जहाँ पे आप आके चेक इन कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे चेक इन करोगे यहाँ पे एक छोटा सा वेटिंग या लाउंज एरिया दिया हुआ है, जब तक आपका चेक इन हो रहा है तब तक आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो। इससे साइड में आते ही यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है, देयर इज वन कैरम बोर्ड हियर, देन यहाँ पे चेस रखा हुआ है एंड देन यहाँ पे टॉयलेट्स भी है। देन दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो हैज अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट हियर जहाँ पे हम लंच करेंगे बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। बाय द वे गाइस, यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी है तो यू नो ऊपर आपका कहीं पे भी रूम है आप लिफ्ट यूज कर सकते हो। दे ऑल्सो हैव स्टेयर्स हियर। Few moments later. Finally, the sun is down and अभी हम लोग मस्त पूल में चिल करेंगे। आई मस्ट से कि पूल काफी क्लीन रखा है, जब मैंने चेक इन किया ना तो आई वॉज वॉचिंग कि वो लोग क्लीन कर रहे थे। बाय द वे सिंस दिस इज अ कॉमन पूल तो पूल के टाइमिंग्स लिमिटेड है, आई थिंक शाम को 6 बजे तक है ना, हाँ शाम को 6 बजे तक ही पूल ओपन रहता है। Let's go. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. दिस इज सो मच फन। मतलब दोपहर को ना मैंने खाने के बाद ऐसी नींद निकाली ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं चेंज करके नीचे आऊँ, बट अभी मुझे पूरा वर्थ इट लग रहा है। आई एम लविंग द पूल, लविंग द वाइब, ऑसम वेदर, जस्ट परफेक्ट टाइम फॉर अ स्टेकेशन। Somebody asked me that why you should book a premium room just for the bathtub so that you can enjoy French fries in the bathtub and watch TV. मॉर्निंग गाइज, इट्स नेक्स्ट डे, आई हैड सच अ गुड स्लीप लास्ट नाइट ना, मतलब इतना फ्रेश लग रहा है मुझे। कल हम लोग पूल से बाहर निकले, वी टुक अ नाइस बाथ और फिर बाद में हम लोग यू नो जस्ट एक्सप्लोर करने बाहर निकले थे। सिंस दिस प्लेस इज वेरी मच नियर बाय द मार्केट तो यहाँ पे आस पास ना बहुत सारे ऐसे ढाबाज एंड ईटिंग जॉइंट्स है जहाँ पे आप अपना डिनर इंजॉय कर सकते हो। वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड दस्तर गुआ, एकदम ढाबा वाइब थी एंड द फूड वॉज so good. I mean it was really good. Non-vegetarians kill, so that place is I think truly a heaven. I'll put the link in the description below, you can definitely check it out whenever you are in Lonavala. Other than that, my stay here till now has been really nice, except one thing I'd like to mention, that there were a lot of mosquitoes in the room even last night, even now. I don't know what's the issue, maybe the windows were open or something, they have mosquito net and everything, but still there were a lot of mosquitoes in the room and you know that is one thing I absolutely do not prefer, so that is one thing they should definitely do something about. Other than that, the service has been amazing, we have been having a lot of fun here. Now I'm enjoying my morning cup of coffee, I'm gonna get fresh now and we're gonna meet at the breakfast. Guys, I hope you all enjoyed this staycation video as much as I enjoyed my stay here. This property is so beautiful. मतलब लोनावला मुझे anyways बहुत chaotic लगता है और ऐसी chaotic place में ये ऐसी quiet property जहाँ पे you know आप बहुत ही अच्छा और blissful time spend कर सकते हो. I think I totally recommend it. Few things I want to mention for my subscribers. One, this property is totally pet friendly but with a security deposit. Other than that, यहाँ पे internet और connectivity का कोई issue नहीं है. They also have a free Wi-Fi. I absolutely love the food here. Breakfast was amazing.
Even lunch was really good, except the noodles, they were a bit oily. But other than that, the food was good, a bit costly. They can definitely work on that. If you want to book this property for your next vacation, I will give you the booking details in the description below. You go check it out. And now, one thing that I promised you in the beginning of this video onwards, I'll be giving a special shout out to one of my subscribers at the end of each video. You just have to do one thing, ki aapko meri har video pe niche comment karna hai apne thoughts and saath mein lagana hai hashtag Chopmunch fam. Unme se jo bhi comment mujhe acha lagega, unko meri taraf se agli video mein shout out milega. This is just one way jise you know aap aur main aur bhi connect kar sakte hai, and I think we're gonna have a really great time here. And starting with today, aaj ki video ka shout out jata hai Alicia Ribeiro ko. Thank you so much for your lovely words, Alicia. I will see you guys in the next video with more such amazing content. Till then, if you enjoyed the video, don't forget to hit the like button. Also subscribe to my channel. Bye guys, love you, take care.